इन वार्डों में पीने का पानी तीन तीन दिन से नहीं आ रहा है। तो क्या आप शहर का विकास करवा पाएंगे? निश्चित तौर पर विकास काम कराएंगे मैडम। मैं वहाँ के किसी सीनियर अफसर को फोन करूँ कि साहब मेरे प्रेस जानकार है, इनका ये काम कर देना। आज हमारे क्षेत्र में उद्योग के नाम पे कुछ भी नहीं है। औद्योगिक इकाइयाँ जो दो थी, कॉटन कॉम्प्लेक्स और जेसीबी, दोनों ही यहाँ से प्लान कर चुकी हैं। आपको एक बात बताऊँ, बेरोजगारी की समस्या से ही नशा पैदा होता है। नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। विधानसभा चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज 3 दिसंबर है और 5 दिसंबर शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। 7 दिसंबर को मतदान होगा और 11 दिसंबर को खुलेगा दावेदारों के भाग्य का पिटारा। चुनावों से पहले चुनाव मैदान में कूदे सभी प्रत्याशियों ने अपने अपनी जीत के दावे किए और हर गली मोहल्ले की खाक छानी। इस दौरान उन्हें लोगों की व्यक्तिगत और मूलभूत समस्याओं से भी अवगत होना पड़ा। क्या थी लोगों की समस्याएं, शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की समस्याएं, ऐसे क्या विकास के कार्य हैं जो होने चाहिए, इन्हीं कुछ बातों के साथ आज हम बातचीत करेंगे श्री गंगानगर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी प्रहलाद टाक से। टाक जी, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार। टाक जी, आप कई वर्षों से लोगों से जुड़े हैं और लोगों की समस्याओं से भी बखूबी वाकिफ हैं। इन दिनों कुछ ज्यादा ही लोगों से मिलना जुलना हुआ, तो किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आई, लोग किस चीज से परेशान हैं? देखिए, मैं पहले एक पार्टी का कार्यकर्ता था और तब मेरे पास में जो लोग लेके आते थे सब बातें, तो ये मेरी हमारी समस्याएं वो एक अलग तरीके की होती थी। लेकिन अब जब मैं बसपा की चुनाव चिन्ह हाथी के ऊपर चुनाव लड़ रहा हूँ विधानसभा का, और अब मैं जाता हूँ तो लोगों की नजर में एक विधायक से जो काम करवाए जाने चाहिए उस प्रकार के कामों की लगातार डिमांड होती है मेरे से। मैं उनसे वार्तालाप करता हूँ और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे अगर वो विजय बनाए तो मैं उनकी जो बातें हैं, जो वास्तव में जायज है, बहुत सी ऐसी बातें मिलती है मेरे को। जैसे वार्डों के अंदर गया, इधर वार्ड नंबर 45 में 46 में यहाँ तो ऐसी समस्या मैं देख के हैरान रह गया। इन वार्डों में पीने का पानी तीन तीन दिन से नहीं आ रहा, बड़ी दयनीय स्थिति है प्रेस जी। और गाँव में क्या समस्या समझ आई? गाँव के अंदर तो जिस तरीके से कुछ जगह पर कोई घरों के आगे बिजली की तारें बहुत ढीली पड़ी हैं, उनसे खतरा है। और एक आधे गांव के अंदर सीसी की सड़कें हो गई है, लेकिन गरीब बस्तियों के अंदर आज भी किसी भी गांव में किसी भी दलित बस्ती के अंदर कोई सड़क का साधन नहीं, वैसे का वैसे कच्चा, जिसे ऐसे जैसे 70 साल पहले का हो वैसे। अभी आप बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं और सरकार की कोई संभावना नजर नहीं आती बसपा की, अगर आप विधायक यहाँ से चुने जाते हैं तो क्या आप शहर का विकास करवा पाएंगे? ऐसा है कि ये तो एक सोच है अपनी, ये तो एक धारणा होती है, धारणाएं टूटती हैं और रोज बनती है। ये अभी आपने पिछला चुनाव कर्नाटक का देखा, तब हम बीजेपी में थे, मैं बीजेपी में था, तो हम सोचते थे भी हमारी सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी, और ना कांग्रेस की बनी, तीसरे मोर्चे की बनी। ऐसा ही अभी यहाँ होने वाला है, क्योंकि यहाँ टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ, कांग्रेस में भी वितरण सही नहीं हुआ। जब वितरण टिकटों का सही नहीं होता है तो वहां त्रिशंकु बनती है, तो त्रिशंकु के अंदर निर्दलीयों से ज्यादा बसपा ने उन मजबूत कैंडिडेटों को उतारा है जो चुनाव जीत रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम चुनाव सरकार का हिस्सा होंगे। ऐसी कोई बात आप ये मानते हैं कि निर्दलीयों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और अगर आप विजयी हुए तो इस शहर में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे? मैं ये कह रहा हूँ, निर्दलीयों की बात छोड़िए, बीएसपी पार्टी 198 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इसके उसको मतलब सरकार को अच्छी तरह से उसके चलाने लायक, और ये बात पक्की है कि बसपा के समर्थन के बिना कोई भी सरकार नहीं बनेगी। ऐसी स्थिति के अंदर जब सरकार के अंदर हम शामिल होंगे तो निश्चित तौर पर विकास काम कराएंगे। मैं तो वैसे भी कहता हूं कि एक विधायक को चाहे पार्टी का, किसी पार्टी का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, निर्दलीय हो, कुछ भी हो, अगर विधायक है, अगर उसमें इच्छा शक्ति है तो उसको हर काम किया जा सकता है। आपकी नीतियां क्या है? ऐसा है साहब, मेरा
मेरा इसकी नीतियों के बारे में स्पष्ट है कि हर गांव के अंदर एक प्रोपोर्शनल रेशो के अंदर जिस गांव की प्रायोरिटी तय होनी चाहिए, गांव की है शहर की है, ये नहीं भी गांव गांव में होता रहे और शहर को कोई पूछे नहीं, और ये भी नहीं कि शहर के अंदर होता रहे और पूछे नहीं। फिर शहर के अंदर जहां विकसित है, एक सड़क बनी हुई है उसी के ऊपर दोबारा रिकारपेटिंग हो रही है, फिर उसको तोड़ा जा रहा है, सीसी सड़क बनाई जा रही है, ये काय का विकास हुआ? भ्रष्टाचार को कैसे रोकोगे आप? अभी आपने कहा कि एक सड़क बन रही है उसको तोड़ के फिर दोबारा बनाई जा रही है, तो इस भ्रष्टाचार को कैसे रोकोगे? इसके अंदर विधायक की पूरी भूमिका होती है, वो ऐतराज ही नहीं करते, आवाज ही नहीं उठाते, वो कहते ये ऐसा क्यों हुआ? क्या उनके पास रिकॉर्ड नहीं होता? पुराना रिकॉर्ड उठा के देखो, जो एक साल पहले बनी है साहब, उसका तीन साल का तो वैसे ही पीरियड होता है, कैसे टूट सकते हैं? टूट दे तो दोबारा बनवाने। विधायक बदलता है लेकिन अक्सर सही वही रहती है। देखिए ये तो सिस्टम का पार्ट है, तो ऐसे में आप कैसे सुधारोगे इसी को? ऐसा है, मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा हम बात बताना चाहता हूँ कि एक तो व्यक्तिगत काम के लिए आदमी कहता है, एक सिस्टम की बात करता है। सिस्टम की बात करनी शुरू करूंगा तो सुधर जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, वैसे मान लो आपका कोई काम अटका हुआ किसी डिपार्टमेंट में, वहां के किसी सीनियर अफसर को फोन करो कि साहब मेरे प्रेस जी जानकार है, इनका ये काम कर देना। ये तो वह सिफारिश का काम, मैं ये कहूँ कि साहब आपकी शिकायत आई है मेरे पास में, बोले नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं, मैं कह रहा मेरे पास में प्रिंस बैठे हैं, इन्होंने शिकायत की, इससे बड़ी कोई सबूत चाहिए? साहब आज आई शिकायत, आइंदा कोई शिकायत नहीं आई, सिस्टम सुधर जाएगा साहब। नहीं तो क्या आप मानते हैं कि अभी तक जो नेतागण थे या जो विधायक चुनते रहे हैं उन्होंने इस सिस्टम में सुधार के कोई प्रयास ही नहीं किए? कतई किसी ने नहीं किए, सभी ने सिफारिश ही की है और ऊपर से ये कहते रहे हमारी चलती नहीं। इस क्षेत्र के विकास की योजना ही क्या है आपके पास? उद्योग के लिए क्या योजना है? आज हमारे क्षेत्र में उद्योग के नाम पे कुछ भी नहीं है। आज किसान जो अन्न का कटोरा भरता है वो आज भूखा है, उसे आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ता है। औद्योगिक इकाइयां जो दो थी, कॉटन कॉम्प्लेक्स और जेसीबी, दोनों ही यहाँ से प्लान कर चुकी हैं। ऐसे में औद्योगिक प्रणाली के लिए क्या योजना है आपकी? कल हमारे कुमारी बहन मायावती जी ने सूरतगढ़ में ये बात कही, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी, आप चाहे आज भी ये बात कर दें, मैं ये कहता हूँ कि 70 साल बीजेपी और कांग्रेस का ही दुर्शासन रहा है ना, उन्होंने आज तक क्यों नहीं किया जो आप मेरे से पूछ रहे? लेकिन मैं पहले से ये बात विचार बनाए रखता हूँ कि गंगानगर की जनता मुझे विधायक इस बार चुन रही है और मैं उनकी इस भावनाओं को सम्मान करते हुए, सबसे बड़ी बात है आपको एक बात बताऊं, बेरोजगारी की समस्या से ही नशा पैदा होता है, और बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर होगी? वो कोई सरकारी नौकरियों से दूर होने नहीं है, लेकिन जब उद्योग धंधे स्थापित होंगे, कॉटन कॉम्प्लेक्स जैसी बातें कर रहे हो आप, यहाँ पर हमारा जो फ्रूट के लिए पहले पार्क फूड एग्रो फूड पार्क की बात आ रही थी, ऐसे कुछ बड़े प्रोजेक्ट है। देखिए इस बार इस टाइम गंगानगर के लिए ना बीजेपी के पास में कोई प्लान है, ना कांग्रेस के पास में कोई प्लान है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये आपको आपके माध्यम से गंगानगर की जनता को विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि मैं इसके अंदर युवाओं को ध्यान में रखते हुए जो रोजगार के साधन जो बन पड़ेंगे उनके सारे का एक मैप बनाएंगे, उसके अनुसार काम करेंगे, नए आइडिया से काम कर लेंगे। मतदाताओं से कोई अपील करना चाहेंगे आप? मतदाताओं से ये अपील है कि आपने, मैं बीजेपी में था, मेरे चश्मे चढ़े हुए थे साहब, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, जब मैंने इस बीएसपी में आया हूँ तो ये पता लगा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस पार्टी ने किसी भी लेवल पर यहाँ पर जाति का धर्म का भेदभाव नहीं है। कुछ लोग कट्टरपंथी लोग वो बीएसपी में भी उसको एक वर्ग विशेष से जोड़ के दिखाते हैं, और कुछ जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो भी इसको एक भेद दिखाते हैं। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि आज भी वहां कोषाध्यक्ष मिश्रा जी हैं तो वो ब्राह्मण है, और पिछली बारी 20 ब्राह्मण इसमें थे, आपके मंत्री थे, और अभी भी इस चुनाव में सभी जातियों को 198 सभी जातियों को धर्मों वालों को सभी को बरोबर टिकट दिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस प्रकार की मैंने वहां बिरादरीवाद का खुला खेल होते देखा बीजेपी में, वो मुझे बहुत चुभा। मैंने तो अभी सर्व समाज का सम्मेलन किया था गंगानगर में भी, चुनाव तो आए हैं कल चले जाएंगे, गंगानगर के सौहार्द को भाईचारा वो बना लेना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से मतदाताओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप निश्चिंत रहिए, मैंने बीएसपी ज्वाइन की है लेकिन धर्म परिवर्तन थोड़ी कर लिया। बीएसपी एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी का कभी कोई धर्म नहीं होता है, तो इसी प्रकार से ये विचारधाराओं पर आधारित पार्टी है जो बीजेपी और कांग्रेस के बदले में एक विकल्प पेश कर रही है कि बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं किया, हमें अगर आप लाते हैं तो हम एक नया आयाम, जिस प्रकार से मायावती ने लगातार 4 वाली सरकार का एक उदाहरण पेश किया था, उसी तरीके से हम यहाँ राजस्थान में भी विकास कराएंगे। और उससे भी बड़ी बात, मैं व्यक्तिगत तौर पर, क्योंकि यहाँ पर
बीएसपी की टिकट तो अभी ली मैंने, मैं तो चुनाव के आधार पर अपने आप को तैयार कर चुका था। मैं अपने मतदाताओं से ये बात कहना चाहता हूँ, आप जब मुझे चुनेंगे तो आप प्रहलाद राय टाक को वैसा ही पाएंगे जैसा पहले था, वैसा ही और वैसा ही आज भी हूँ। मैंने अभी साधन बदला है, साधन नहीं बदला, गंगानगर का विकास, गरीब मजलूम और किसानों की और व्यापारियों की समग्र रूप से उनकी समस्याओं का समाधान करने का मेरा लक्ष्य है, उसको मैंने नहीं बदलता। अगर मैंने बदलना होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, मेरा संघर्ष खत्म हो जाता। मैंने इस संघर्ष को जारी रखने के लिए चुनाव लड़ना तय किया और आज चुनाव मैदान में हूँ। मुझे मतदाताओं का भरपूर प्यार मिल रहा है, मजदूरों का, किसानों का, जहां जाता हूँ वहां पर। अब लोग कहते हैं साहब सभी सभाएं एक जैसी होती है, तो ये तो साहब मिलने से पता लग जाता है कैसा व्यवहार है आदमी का। मुझे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और मेरी जीत उनकी जीत होगी, वो स्वयं विधायक का एहसास करेंगे। मैंने एक गंगानगर जिस भी सभा में मैं गया हूँ वहां मैंने उन वहां के मतदाताओं से ये कहा है कि आप सीधा संवाद कर सकेंगे, ये व्यवस्था करूंगा, बीच में किसी को लाने की, बिचौलिया बनाने की भूमिकाएं सारी खत्म करूंगा। धन्यवाद टाक जी। अभी हम बातचीत कर रहे थे बसपा प्रत्याशी प्रहलाद राय टाक से। उनका कहना है कि अगर सत्ता में बसपा आती है तो श्री गंगानगर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे और औद्योगिक इकाइयां यहां लाने में कामयाब होंगे। आगामी किसी शख्सियत से मुलाकात के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.